कोरोना के नियम पालन न करने पर पीएम मोदी ने जताई चिंता, कहा लापरवाही की जगह नहीं होनी चाहिए। नए रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बदल दिया मंत्रालय में काम करने का समय, अब दो शिफ्टों में होगा काम। मंत्री बनते ही हैक हुआ ज्योतिरादित्य सिंधिया का फेसबुक अकाउंट, पुलिस ने दर्ज की एफआईआर। केरल में सामने आया जीका वायरस का पहला मामला, 24 साल की गर्भवती महिला संक्रमित। दिल्ली के कई हिस्सों में हुई झमाझम बारिश, लोगों को भीषण गर्मी से मिली राहत। नमस्कार, स्वागत है आपका, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं कीर्ति लेकर हाजिर हूं उत्तर प्रदेश की खास खबरें। पीएम नरेंद्र मोदी ने भीड़भाड़ वाले स्थानों पर लोगों के कोविड 19 के नियमों का पालन न करने पर चिंता जाहिर की है। पीएम मोदी ने कहा है कि लापरवाही के लिए कोई जगह नहीं होनी चाहिए। साथ ही ये भी कहा गया है कि छोटी सी गलती के दूरगामी परिणाम हो सकते हैं जिससे महामारी से लड़ाई कमजोर पड़ सकती है। मोदी ने भीड़भाड़ वाली जगहों के चित्र और वीडियो का हवाला देते हुए कहा कि ये अच्छा दृश्य नहीं है और इससे हमारे भीतर भय की अनुमति होनी चाहिए। जानकारी के अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंत्रिमंडल के परिषद विस्तार के एक दिन बाद मंत्रियों से बातचीत की और कहा कि लोग बिना मास्क लगाए और सामाजिक दूरी का पालन किए बगैर दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने जोर देकर कहा कि महामारी के विरुद्ध भारत की लड़ाई पूरे जोर शोर से जारी है और टीकाकरण अभियान और जांच की समस्या में भी तेजी आ रही है। तो कोरोना के नियमों को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चिंता जाहिर की, क्योंकि जिस तरह अनलॉक हुआ उसके बाद लोग सड़कों पर भारी भीड़ इकट्ठा कर रहे हैं, मास्क सोशल डिस्टेंसिंग का फॉलो नहीं कर रहे हैं, उसको लेकर चिंता जाहिर की है कि लोगों को भय की स्थिति अभी भी बनाए रखनी चाहिए, उनके अंदर भय की अनुभूति होनी चाहिए कि कोरोना खत्म नहीं हुआ है, केसेस कम हुए हैं, अनलॉक की प्रोसेस किया गया है, लेकिन कोरोना के गाइडलाइंस का पालन करना आवश्यक है। केरल में कोरोना वायरस संक्रमण के बीच जीका वायरस ने दस्तक दे दी है। केरल की स्वास्थ्य मंत्री वीना जॉर्ज ने जानकारी देते हुए बताया कि राज्य में 24 साल की गर्भवती महिला में मच्छर से फैलने वाली बीमारी जीका वायरस के पहले मामले का पता चला है। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा है कि तिरुवनंतपुरम से जीका वायरस के 13 अन्य संदिग्ध मामले हैं। उनका कहना है कि टेस्ट के उनके नमूने पुणे में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी को भेजे गए हैं, जहां से रिपोर्ट आने के बाद ही आगे की पुष्टि की जाएगी। मंत्री का कहना है कि तिरुवनंतपुरम से भेजे गए 19 नमूनों में से डॉक्टरों सहित 13 स्वास्थ्य कर्मियों के जीका से संक्रमित होने की आशंका है। तो कोरोना वायरस के बीच जीका वायरस ने दस्तक दे दी है। ये वायरस बता दें कि मच्छरों के जरिए इंसानों के शरीर में जाता है, तो इसको लेकर कई केसेस सामने आए हैं, जिसमें डॉक्टरों के संक्रमित होने की भी जानकारी मिल पा रही है। बुलंदशहर में आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर के नेतृत्व में साइकिल यात्रा निकाली गई। राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर की इस साइकिल यात्रा में सैकड़ों की संख्या में लोग शामिल हुए। आगामी 2022 के चुनाव को लेकर भी चंद्रशेखर ने अपनी बात कही। उन्होंने कहा कि चुनाव को लेकर ही साइकिल यात्रा निकाली जा रही है, इस बार चुनाव में हमारी पार्टी अच्छा प्रदर्शन करेगी। तो आसपा पार्टी ने निकाली साइकिल यात्रा, ये साइकिल यात्रा आगामी चुनाव को देखते हुए निकाली गई है और ये भी कहा गया है कि आगे आने वाले चुनाव में अच्छा प्रदर्शन आसपा पार्टी करके दिखाएगी। देखिए 1 जुलाई से पूरे उत्तर प्रदेश में साइकिल यात्रा चल रही है। साइकिल यात्रा का जो उद्देश्य है वह जाति तोड़ो समाज जोड़ो भाईचारा बनाओ। पिछले 4.5 साल में उत्तर प्रदेश में और 7 साल में केंद्र द्वारा जो भाजपा की सरकार उस भाईचारे को मजबूत करने और जनता को ये समझाने कि चुनाव में उनको धर्म के नाम पे नहीं अपने मुद्दों के नाम पे वोट देना है। मेरा सबसे बड़ा जो सवाल है आज सरकार से कि नौजवानों को रोजगार कब मिलेगा, 52% ओबीसी को 27% आरक्षण क्यों, ये गैर बराबरी क्यों भारत के अंदर, और ये गैर बराबरी आपने क्यों बना रखी है। यहाँ महंगाई जो बढ़ गई है, यहाँ जो क्राइम उत्तर प्रदेश में बढ़ रहा है।
जौनपुर में सपा के कार्यकर्ताओं ने मुंगरा बादशाहपुर थाने का घेराव किया। सपा के कार्यकर्ताओं ने पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए हैं। पुलिस पर आरोप लगाया है कि उसने बीडीसी सदस्य को पकड़ लिया। इसी के साथ कहा गया है कि सत्ताधारी लोगों की शह, पुलिस वाले इस तरह का काम कर रहे हैं। आरोपों के साथ थाने के सामने सपा कार्यकर्ताओं ने जमकर हंगामा किया। तो सपाइयों ने थाने का घेराव किया। सर जी, पुलिस प्रशासन द्वारा क्षेत्र पंचायत से तो बीडीसी को उठाया जा रहा है, हम सब विरोध कर रहे हैं, ऐसा क्यों हो रहा है? तो उल्टा मुकदमा हमारे जो सपा कार्यकर्ता है उनको ऊपर लादा जा रहा है और सारे बीडीसी का अपहरण पुलिस द्वारा किया जा रहा है। पुलिस के सब पहले पुलिस की गाड़ी जाती है, तब वो लोग जाते हैं, बीजेपी वाले उसको उठा के ले जा रहे हैं। सपाइयों ने किया थाने का घेराव। उनका साफ तौर पर कहना है कि भाजपाइयों की गुंडागर्दी चल रही है, नामांकन भरने नहीं दिया गया और साथ ही साथ सत्ताधारी लोगों की शह पर पुलिस वाले इस तरह के काम कर रहे हैं। उन्होंने सपा के प्रत्याशी को पकड़ लिया। मैनपुरी के जागीर ब्लॉक में नामांकन के दौरान सपा और भाजपा समर्थकों में जमकर नोकझोंक हुई। हाथापाई के दौरान सपा विधायक की गाड़ी का शीशा तक टूट गया, इसी वजह से सपा विधायक को लौटना पड़ा। बता दें कि मौके पर पहुंचे डीएम और एसपी की मौजूदगी में सपा प्रत्याशी ने अपना नामांकन दाखिल किया। भाजपा प्रत्याशी समर्थकों पर हमला कर नामांकन पत्र फाड़ने के प्रयास का आरोप लगाया है। ब्लॉक प्रमुख पद को लेकर इस हंगामे के बाद अब भाजपा प्रत्याशी सहित 7 नामजद लोगों पर मुकदमा दर्ज किया गया है। इसके अलावा करीब 100 अज्ञात लोगों पर भी मुकदमा दर्ज किया गया है। ब्लॉक प्रमुख पद के लिए घमासान किया हुआ, आप तस्वीरें भी देख सकते हैं कि किस तरह से भाजपा प्रत्याशियों कि साफ तौर पर कहा गया कि भाजपा प्रत्याशियों की तरफ से ये बवाल किया गया। हालांकि तस्वीरें देख सकते हैं, नामांकन के दौरान ऐसी कई तस्वीरें भी सामने आई हैं। ये मैनपुरी की तस्वीरें हैं जहां ब्लॉक प्रमुख पद को लेकर भाजपा प्रत्याशी सहित 7 लोगों पर केस दर्ज हुआ है। आज जागीर ब्लॉक जनपद मैनपुरी में नामांकन के समय में नामांकन स्थल से करीब 500 मीटर दूरी पर भाजपा के प्रत्याशी मुनेश चौहान, उनके समर्थकों और बाद सपा के जो प्रत्याशी ये बिल्लू और आशुतोष, जिनके साथ किसनी क्षेत्र के माननीय विधायक ब्रजेश कठेरिया साहब भी थे, विवाद हुआ कुछ और आपसी धक्का मुक्की भी हुई। कथित रूप से कपड़े फाड़े जाने और साथ में कुछ अन्य चीज़ों को लेकारी पर पथराव करने के बाद ये हम पहले तो इस घटना की घोर निंदा करते हैं। हमारे माननीय विधायक ब्रजेश कठेरिया जी प्रत्याशी का बिल्लू प्रत्याशी है ब्लॉक मुखी को, उनका पर्चा दाखिल कराने जागी गई और मुझे जानकारी मिली है कि सुबह से ही उनके पीछे कोई एक लाल रंग की गाड़ी पीछे से ही पड़ी थी, जैसे कि ये प्रत्याशी का पर्चा दाखिल न करा सके और वो ये न करके दिखा दिए। पूरे जनपद में उनका यही था कि किसी भी ब्लॉक में समाजवादी पार्टी के ब्लॉक प्रमुख प्रत्याशी के पर्चे दाखिल न हो पाए, ऐसा ही माहौल। तो इस खबर पर इस वक्त हमारे साथ मुनीश जुड़ चुके हैं संवाददाता। मुनीश, जो आरोप लगाए जा रहे हैं और साथ ही साथ भाजपा प्रत्याशी सहित 7 लोगों पर केस दर्ज किया गया है, क्या कुछ स्थिति अभी आप देख पा रहे हैं? जी, स्थिति ये है कि पुलिस अधीक्षक जी ने एसपी साहब को जांच सौंप दी है। अब वो जांच पूरी होने के बाद में उसके जांच के आधार पर ही कार्रवाई की जाएगी। जिन लोगों की गिरफ्तारी की गई है मुनीश, भाजपा के समर्थकों और भाजपा के प्रत्याशी के ऊपर, उनका क्या कुछ कहना है? क्या जो आरोप लगाए जा रहे हैं सपा प्रत्याशियों की तरफ से, क्या वो सही है कि नामांकन भरने जाने से रोका जा रहा था, इस वजह से ये विवाद किया गया पूरा? जी, ये बवाल तो हुआ है, लेकिन वहाँ पर प्रेजेंट में जो भाजपा के प्रत्याशी मनीष सिंह चौहान थे वहाँ पर उपस्थित नहीं थे, लेकिन कुछ लोग बता रहे हैं कि वहाँ पर थे। लेकिन
ये उनका कहना है, लेकिन अभी आपको बता दूं गिरफ्तारी नहीं हुई है। ये कप्तान साहब ने सीओ साहब को जांच सौंपी है, जांच होने के बाद तब गिरफ्तारी की जाएगी, अभी गिरफ्तारी नहीं हुई है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ मुनीश जुड़ने के लिए। बुलंदशहर के शिकारपुर तहसील पर भारतीय किसान यूनियन के सभी पदाधिकारियों ने महंगाई के विरोध में प्रदर्शन किया। डीजल, पेट्रोल, रसोई गैस के बढ़ते दामों को लेकर किसान यूनियन के लोगों ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इसी के साथ हंगामा करने वालों ने राष्ट्रपति के नाम एक ज्ञापन भी अधिकारियों को सौंपा है। हंगामे के बाद तहसील अध्यक्ष वीरपाल सिंह ने बताया कि सरकार ने रसोई गैस के दामों में पिछले 2 सालों में बहुत ज्यादा वृद्धि की है, जिससे किसान मजदूर के घर का चूल्हा भी सही से नहीं जल पा रहा है। सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। बता दें कि किसान नेताओं ने मिलकर ये प्रदर्शन किया, जिस पर उनका साफ तौर पर कहना था कि जिस तरह से महंगाई आसमान छू रही है, पेट्रोल डीजल के दाम निरंतर बढ़ते जा रहे हैं और रसोई गैस के दाम भी बढ़े हैं, उसको लेकर भारतीय किसान यूनियन की तरफ से ज्ञापन सौंपा गया है। कुशीनगर के पटरौना मार्ग पर बाइक को बचाने के चक्कर में एक गाड़ी बिजली के खंभे से टकरा गई। इस घटना में गाड़ी में सवार करीब 6 लोग गंभीर रूप से झुलस गए। वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करा दिया है, जिसमें से 2 की हालत अभी भी गंभीर बनी हुई है। फिलहाल सभी घायलों का इलाज अभी भी जारी है। तो गाड़ी सवार लोग गंभीर रूप से बता रहे हैं, कुशीनगर में यह हादसा हुआ। तस्वीरें देख सकते हैं, बिजली के खंभे से टकराई गाड़ी, जिसके बाद ये हादसा बेहद ही भयानक हादसा घटित हुआ। बिजली के खंभे से गाड़ी टकराई, आप तस्वीरें देख सकते हैं गाड़ी की हालत कितनी खराब है। और वहीं गाड़ी में सवार लोग गंभीर रूप से झुलस गए हैं, जिनको तत्काल प्रभाव से अस्पताल में भर्ती कराया गया। जौनपुर में धर्मांतरण कराए जाने के मामले में हिंदू जागरण मंच के लोगों ने हिंदू परिवार के घर के सामने बड़े एक कमरे को तोड़ दिया। कमरे को तोड़ने के बारे में जानकारी दी गई और उसके अंदर भारी तादाद में इस्लाम धर्म से जुड़े पोस्टर और झंडे लगे हुए थे। इस वजह से हिंदू जागरण मंच के लोगों ने सारे पोस्टर को भी जला दिया। इसके अलावा एक और जानकारी दी गई कि इस परिवार की नाबालिग लड़की को मौलाना ने अपहरण किया था। पूरे मामले में पीड़ित परिवार की शिकायत पर सक्रिय पुलिस ने सर्विलांस टीम की मदद से 36 घंटे के अंदर आरोपी मौलाना को गिरफ्तार कर लड़की को सकुशल बरामद कर लिया है। गिरफ्तार आरोपी अख्तर आजमगढ़ जनपद के बरदहा थाना क्षेत्र का रहने वाला है। ये दिनांक 6 जुलाई को थाना सराय ख्वाजा अंतर्गत एक नाबालिग लड़की का विपरीत समुदाय के युवक के द्वारा अपहरण के संबंध में सूचना प्राप्त हुई थी। उस पर तत्काल उचित धाराओं में अभियोग पंजीकृत करके पुलिस अधीक्षक महोदय जौनपुर के द्वारा सर्विलांस और स्वाट की टीम को भी लगाया गया था, जिससे कि इसको आज उस नाबालिग अपहृता को और अपहृत करने वाले व्यक्ति को पकड़ा गया है। इसने बताया कि उस दिन ये उसको यहाँ से ले जा करके पहले जौनपुर बस अड्डे पर आया, यहाँ से बस पकड़ा आजमगढ़ गया, आजमगढ़ से जाने के बाद फिर अम्बेडकर नगर में रात में एक कमरे में होटल का ले करके रहा। आज कल गोंडा जाने का प्लान था, लेकिन किसी कारणवश ये वापस आ रहा था, तो आज इसको जो है मैं बच्ची के। तो धर्मांतरण मामले पर लोगों ने हंगामा किया, घर बगल में बना एक कमरा तोड़ा गया, जिसके बाद ये पता चला कि लड़की का अपहरण किया गया है और अन्य समुदाय के व्यक्ति के द्वारा उसके बाद उसकी भी गिरफ्तारी सुनिश्चित की गई है। कानपुर के बिल्हौर में रोडवेज बस तेज बारिश के दौरान अनियंत्रित होकर क्षेत्र के रसूलपुर गांव के पास अटल नदी में जा गिरी, जिससे बस में सवार यात्रियों में चीख पुकार मच गई। हादसे के दौरान ग्रामीण यात्रियों की मदद के लिए घटनास्थल पर पहुंचे। इसके बाद बस से शीशे तोड़कर यात्रियों को एक एक करके बाहर निकाला गया। जानकारी के अनुसार बस करीब 50 यात्रियों को लेकर कन्नौज जा रही थी। क्षेत्र के रसूलपुर मोहन पूर्वा गांव के समीप जीटी रोड पर तेज बारिश के दौरान अनियंत्रित होकर रोडवेज बस पुल की लोहे की रेलिंग तोड़कर अटक गई और नदी में जा गिरी थी। तो आप तस्वीरें देख सकते हैं बस किस तरह से पानी में जाके गिरी, लेकिन इसमें
अभी तक फिलहाल किसी 50 यात्री सवार थे, लेकिन किसी के जान हानि का इतना खबर सामने नहीं आ रही। हालांकि ग्रामीणों की मदद से खिड़की शीशे तोड़कर बस के लोगों को सकुशल बाहर निकाला गया। प्रतापगढ़ के बाबागंज विकास खंड क्षेत्र में पुलिस की कार्यशैली से नाराज हुए सांसद विनोद सोनकर ने गंभीर आरोप लगाए हैं। दरअसल पुलिस द्वारा बाबागंज ब्लॉक मुख्यालय से लगभग 200 मीटर दूरी पर बांस बल्ली के सहायता से बैरिकेटिंग किया गया था। ठीक उसी रास्ते से सांसद विनोद सोनकर भी जा रहे थे। मौके पर तैनात पुलिस वालों को जब बैरिकेटिंग खोलने के लिए कहा गया तो उन्होंने मना कर दिया। इस दौरान सांसद की पुलिस वालों के साथ बहस भी हुई। बाद में मामले में जानकारी डीएम को दी गई और डीएम के निर्देश पर बैरिकेटिंग को खुलवा दिया गया। पुलिस वालों की इस हरकत से सांसद अब काफी ज्यादा नाराज हैं। तो सांसद और पुलिस वालों की बैरिकेटिंग हटाने को लेकर नोकझोंक हुई। तस्वीरें भी आप देख सकते हैं, प्रतापगढ़ से सांसद हैं ये। बाबागंज विकास खंड क्षेत्र में पुलिस की कार्यशैली से नाराज सांसद विनोद सोनकर ने आरोप लगाया है कि बैरिकेटिंग नहीं हटाई गई। जब डीएम को फोन किया गया उसके बाद पुलिस वालों ने बैरिकेटिंग हटाई। तो फिलहाल के लिए बस इतना ही। फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, सतर्क रहिए और देखते रहिए प्राइम टीवी।